किशनपुरा आबादी में नगर पालिका द्वारा संचालित शिव श्री शिव नंदी गौशाला समिति की आम सभा बैठक में अनिल धनुका को सर्वसम्मति से 2 वर्षों के लिए दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष अनिल धनुका ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए अपने 2 वर्ष कार्यकाल के कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में तूड़ी के दोनों गोदाम भरे हुए हैं। नंदीशाला में 1500 नदियों की नियमित देखभाल की जा रही है। इसके अलावा CCTV कैमरे, हास्ट मास लाइट, नगर पालिका मंडल द्वारा लगाई गई दानदाताओं के सहयोग से आवश्यक सामग्री संसाधन जुटाए गए। सचिव नरेंद्र चाहर ने सचिवीय प्रतिवेदन पेश करते हुए नंदीशाला की द्विवर्षीय कार्यकाल में वित्तीय वर्ष के तहत अप्रैल से मार्च तक की घोषणा की। चाहर ने बताया कि नंदीशाला की विभिन्न संसाधनों और उपकरणों की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए दानदाताओं के सहयोग से ट्रैक्टर ट्राली, आटा चक्की, चैन कुप्पी, पंप सेंट आदि उपकरण उपलब्ध कराने के साथ कई सेट पानी की खेली, चारे के लिए थान, 1 लाख रुपए लीटर क्षमता की भूमिगत टैंक, टैंक सेट आदि का निर्माण करवाया गया। कोषाध्यक्ष मनोज स्वामी ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए 43 लाख रुपए चंदा, 1 लाख रुपए सदस्य शुल्क, 3.5 लाख रुपए की खाद बिक्री आदि की आय हुई। करीब 12 लाख रुपए बैलेंस व 11 लाख रुपए की स्थायी संपत्ति बनाई गई। जनसंपर्क अधिकारी किरण सिंपा ने सदस्य अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आजीविका शुल्क 3100 रुपये व 500 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित किया हुआ है। आम सभा की बैठक के दौरान पिछले 2 वर्षों के प्रत्यक्ष अप्रोक्ष रूप से सहयोग करने वाले दानदाताओं व सेवकों का माल्यार्पण व समृद्धि चिन्ह देकर सम्मान किया गया। पूर्व विधायक गंगाजल मील ने नंदीशाला के सेवकारियों से कंठमुक्त सराहना करते हुए कहा कि नंदीशाला सेवाभाई पदाधिकारियों से प्रभावित होकर आज शहर आम व्यक्ति स्वतः सरफुल सहयोग कर रहा है। अनिल धनुका जल्द ही अपने कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। सर्वसम्मति से आगामी 2 वर्षों के लिए दूसरी बार अनिल धनुका को अध्यक्ष नियुक्त करने जाने पर प्रसिद्धि सभी लोगों ने शुभकामनाएं व माल्यार्पण अभिनंदन किया। समाजसेवी संजय वेद ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी का आभार प्रकट किया। इस कार्यकाल में जो भी कार्य किए उसकी भूमिका अनिल जी ने मंच पर आए और अपने सचिवीय उद्बोधन सदन के सामने रखे। श्री नरेंद्र चाहर, गौ माता की जय हो। परम आदरणीय श्री सिंह नंदी गौशाला समिति के संरक्षक श्रीमान गंगानंद जी हुई, संरक्षक व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री संजय जी सोनी, श्री संदीप जी काशनिया और श्री मनोज जी सुमानी और शहर के विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए संस्थाओं के 1200 रुपए नंदीशाला में 2.5 साल मान लो जुलाई से लेकर अब तक 3 लाख। मैं आज आप यहाँ पधारे आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं सदस्यता अभियान के बारे में ये आपको बताना चाहूँगा कि 1 महीने 10 दिन हमने सदस्यों की आप उनका भी सहयोग करें सम्मान में। इसके आगे की कड़ी में अनमोल वृक्षरोपण की टीम के जो भी सदस्य उपस्थित हैं आगामी कड़ी में मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। परिणाम सामने दिख रहा है, भरे हुए टीलों में जो हरियाली लहरा रही है इन्हीं के दिन रात के परिश्रम में मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बेल्डिंग का काम करता है और यहाँ बेल्डिंग के अलावा जहाँ भी लगता है तो वो सेवा कोई है क्योंकि आपने टीम की स्वीकृति बाद में ली थी और चक्की की घोषणा तो आपने बैठक में कर ली थी। नेक्स्ट बोलता हूँ उपस्थित है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ क्यों इंद्रसन जी जैन शायद आए नहीं है। मैं सागर जी शर्मा नहीं मैं चंदीलाल जी कह रहे इंद्रचंद जी जैन मुद्रा के परिवार से पधारे हुए संस्थान के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दलीप सिंह जी की स्मृति में उनके पुत्र कुणाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। हमें विधायक जी का सम्मान करना और मुझे अवगत करवाते ऐसा नहीं हो कि वो यहाँ आए हैं और उनका नाम पहले मैंने बोल दिया हो। धन्यवाद किशन जी भाई साहब, ओम जी सुमानी, अगर कोई दानदाता या कोई सहयोगी रह गया हो तो कृपया मानव स्वभाव है तो सारी फोटो है तो मैं आग्रह करता हूँ धनुका जी
प्रकोष्ठ अध्यक्ष पूर्व नागपाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष ओम जी कालुआ जी, डाक साहब जैन साहब और व्यापार अध्यक्ष सोनी, संस्था के शिवनंदी गौशाला के अध्यक्ष शिक्षाविद लोकपाल श्री अनिल जी धानुका जी, मतलब कि छत पे आगे मकान रुक जाए तो वो तो बहुत ही मुश्किल है पूरा होना, तो हमें वो लग रहा था कि नींव से ऊपर तो आ गया लेकिन छत के करीब करीब जाते जाते मामला गड़बड़ हो गया था। नींव लगाने वालों को साधुवाद, नींव से ऊपर लाने वालों को साधुवाद, और नींव से ऊपर छत के यानी डोर लेवल पे लाने वाले और छत लगाने वाले वो जो पीछे बैठे है ना ये महान भूतियां, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और बड़े मजे की बात है कि इन लोगों ने किस किस प्रकार से सुन सुन के लोगों को ढूंढ ढूंढ के लेके आए, उन भामाशाहों से पैसा इन्होंने लिया। और एक चीज है कि कभी भी कहते हैं कि मांगने वाले जो होना चाहिए देने वाले की कोई कमी नहीं है, ये बात आज सामने दिख रही है। यहाँ ऐसे लोगों का भी उदाहरण आया आके चिंचलाती यहाँ कोई जिंदाबाद या मुर्दाबाद ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। नंदीशाला है कालवा जी, आपके मुंह से जिंदाबाद मुर्दाबाद जो भी हो शोभा नहीं देता। और सुनो मेरी बात, हम यहाँ जो 18 महीने 20 महीने काम किए हैं नियमों के अनुरूप ही काम किए हैं, और आज भी जो काम करेंगे नियमों के अनुरूप ही करेंगे। इस संस्था के विधान में ये नियम है कि जब भी चुनाव होंगे सिर्फ अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। आज अध्यक्ष चुनो आप लोग, चाहे अनिल धन का चुनो, चाहे किसी को चुनो, कार्यकारिणी वो बनाएंगे, कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाएगा। अध्यक्ष चुनो आप सब सम्मति से, आप बाकी क्यों चुन रहे हो, अध्यक्ष चुनेगा कार्यकारिणी। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है आज आप सर्वसम्मति से बनाओ, चाहे चुनाव के लिए बनाओ, अध्यक्ष को बनाओ, बाकी कार्यकारिणी अध्यक्ष अपनी मर्जी से बनाएगा, ये मेरा कहना है। और हम लोगों ने नियम से काम किया है और नियम से ही काम करेंगे। आप आओ मंच पे, आओ बैठो 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 जी, आप आओ मंच पे, आओ आप मंच पे, आओ बैठो मंच पे, आओ मंच पे, आओ आप ऐसा। हमने अपनी बात कर दी, नियमानुसार काम करेंगे और नियम ही लागू करेंगे। ये आम सभा है और हर व्यक्ति को यहाँ अपनी बात रखने का, अपने सुझाव देने का, अपनी शिकायत प्रकट करने का अधिकार है। राम प्रताप जी तिवारी कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है, हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अति उत्साह सदन का भी है, अति उत्साह हमारा भी है, अति उत्साह है हम। आप अगर आपकी भावनाओं को कहीं ठेस पहुंची है तो जैसा कि कह रहे हैं कि भी अध्यक्ष को हम ये इस बात के लिए पूरा सदन नॉमिनेट करता है कि वो अपने कार्यकारिणी में बोलो। उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का स्वागत और एक तरफ से प्रणाम नमस्कार, और मंच पर उपस्थित